सो गाइस काफी टाइम के बाद मैंने टिकटॉक पर दो वीडियो अपलोड किया जिस पे तो एक पे तो 1000 के समथिंग व्यूज आए हैं और एक वीडियो वायरल हो गया। ये नहीं कि उस पे मिलियन में व्यूज चले गए, मेरे हिसाब से वायरल हो गया जिस पे 17,000 से 18,000 व्यूज आ गए। और उसमें से लाइक्स कितने मिले हैं वो भी बताऊंगा, मैंने कौन से हैशटैग यूज किए वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर 7 डे चैलेंज चल रहा है। 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और ये 5वीं वीडियो है, जिसमें मैं आपको हैशटैग बताने वाला हूं जिससे कि आपका वीडियो भी वायरल हो जाएगा। अगर आपने वो 4 वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके पहले सारी की सारी वीडियो देख लेना। पहले आप ये वाली भी वीडियो देख सकते हो, उसके बाद आप वो वाली देख लेना। आपको एक ऐप का लिंक मिल जाएगा, आपको ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको वहां पर मैजिक स्टेटस में जाना है। मैजिक स्टेटस में जाने के बाद आपको वहां पर सब वीडियो बना देना है। अब मैं आपको हैशटैग बताऊंगा, आपको डेली अलग अलग क्या हैशटैग लगाने हैं, ठीक है, मैं आपको बताता रहता हूं। अब ऐप डाउनलोड करने के, अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपके लिए सिंपल है, आपको ऐप लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद गेट मनी नाउ पर क्लिक करना है। गेट मनी नाउ के बाद डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा और उसमें आप पैसे भी कमा सकते हो। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको पैसे की तरफ ध्यान नहीं देना, आपको केवल वहां से अपना काम लेना है और भाग जाना है, ठीक है। उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना, तब तक मैं आपको कहूँ, उसके बाद अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई आप कौन से हैशटैग लगाओ जिससे कि आप टिकटॉक पर अपना वीडियो वायरल कर सकते हो, ठीक है। और जो मैंने इससे पहले 4 वीडियोस में बताया हुआ है कि भाई ये वाले हैशटैग लगाओ, आप वो यूज़ कर रहे हो तो आपका मतलब रिजल्ट कैसा रहा, वीडियो वायरल हुआ या नहीं हुआ। और बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन थे कि व्यूज़ पहले से कम आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन बता दूंगा मेरे भाई। अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने कौन से हैशटैग लगाए जिससे कि मेरे इतने ज़्यादा व्यूज़ आ गए। देखो आपको पता है, लेकिन उससे पहले आप मेरा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं जुन्नू की टेक यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यार मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एरोप्लेन आपके सिर के ऊपर से जाएगा, एरोप्लेन वाला वीडियो कैसे बनाए। वो वीडियो बना के मैंने टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया, उस पर शायद 100 के समथिंग लाइक आए हैं और 1000 व्यूज़ गए थे उस पर, 1000 व्यूज़। अब जो मैंने ये आपको यूट्यूब पर बताया था कि ऐसा वीडियो कैसे बनाए, मतलब जहाज़ वाला वीडियो कैसे बनाए, उसका मैंने स्टार्टिंग का 59 सेकेंड का वीडियो का पार्ट टिकटॉक पर अपलोड कर दिया। अब आप कहोगे कि भाई मेरे पास तो माइक नहीं है, मैं ऐसा आपकी तरह बोल नहीं सकता, तो मुझे कैसे व्यूज़ मिलेंगे। तो यार वो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा जिससे कि आप भी व्यूज़ ज़्यादा पा सकते हो। अब देखो एक तो वीडियो मेरा था 10 या 11 सेकंड का, ठीक है, 10 से 11 सेकंड का मेरा वीडियो था जिसमें एरोप्लेन उड़ रहा था। अब जो मैंने 59 सेकंड का वीडियो डाला उसमें मैंने कुछ ये हैशटैग लगाए, आप देख सकते हो। अब मुझे लगता है इसमें ये वायरल क्यों हुआ, दो ही कारण है वायरल होने के, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें पहला कारण तो ये है कि वीडियो थोड़ा लेंथी था, वीडियो 59 सेकंड का था। अगर सामने वाले बंदे ने 30 सेकंड भी मेरा वीडियो देखा होगा तो टिकटॉक का एल्गोरिथम कुछ ऐसे काम करता है, वो वीडियो वायरल करा देता है। अब मुझे भाई उसके मुताबिक लाइक नहीं मिले, मतलब जितने मेरे व्यूज़ गए थे उसके हिसाब से मुझे लाइक्स नहीं मिले, इसलिए मेरा वीडियो रुक गया है। 18,000 व्यूज़ से ऊपर जा ही नहीं रहा, लाइक आ रहे हैं, कुछ कुछ व्यूज़ जा भी रहे हैं। जो बंदे जानते हैं वो विजिट करके देख रहे हैं, उनके ही व्यूज़ मिल रहे हैं। टिकटॉक ने आगे व्यूज़ कराना बंद कर दिया। रीज़न ये है कि लाइक्स मुझे ज़्यादा नहीं मिले, बंदे लाइक करने भी पता नहीं यार लाइक नहीं करते, ठीक है। अब लाइक लेने के लिए आपको कुछ तो करना ही होगा। लाइक लेने के लिए अब आपको मैं एक तरीका और बताता हूँ। आपको ऐप में जाना है, जो मैंने आपको ऐप बताया ऐप में जाओगे तो आपको मैजिक स्टेटस में जाना है। मैजिक स्टेटस में जाने के बाद आपको टोटल जितनी भी वहाँ पर वीडियो है आपको सब बनाकर अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। अब जब आप वहाँ पर वो वीडियो बना के सेव कर लोगे, सेव करने के बाद आपको काइन मास्टर या पावर डायरेक्टर किसी में जाना है, सब वीडियो को वहाँ पर ज्वाइंट कर लेना है। अब जब सब वीडियो को ज्वाइंट कर लोगे, कम से कम 40 सेकंड का आपको वीडियो बना लेना है। हवा बहुत तेज चल रही है भाई। 40 सेकंड का आप वीडियो बना लोगे, उसके बाद वहाँ पर कोई भी आप सॉन्ग ऐड कर देना, ठीक है। अब वहाँ पर कोई भी सॉन्ग ऐड कर दोगे, अगर सामने वाला बंदा 30 सेकंड भी वॉच कर लेता है तो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। अब हैशटैग क्या लगाने हैं उस वीडियो से रिलेटेड, वो मैं आपको बताता हूँ। हैशटैग, एक हैशटैग आप जरूर लगा देना, #EDUTOK, ये हैशटैग जरूर लगा देना। अब टाइटल में आपको ये लिखना है, अब ये करके दिखाओ। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका ये लिखो, लेकिन दोबारा फिर से मैं आपको बताता हूँ, आपको टाइटल में ये रखना है कि अब ये करके दिखाओ। अगर आप ये रखोगे तो सामने वाला बंदा आपका वीडियो जरूर देख लेगा, मैं आपको बताता हूँ, गारंटेड, ठीक है। और आपको मैं ये भी बात क्लियर कर दूँ, मैं टिकटॉक रेगुलर यूज़ नहीं करता, काफ़ी टाइम बाद दो वीडियो अपलोड किया उसमें से भी एक वीडियो वायरल हो गया। और सोचो अगर रेगुलर यूज़ करूँगा तो कितने व्यूज आ सकते हैं भाई। इसीलिए मैं यूज़ नहीं करता कि मेरे पास टाइम नहीं है, यूट्यूब पर भी वर्क करता हूँ और भी कहीं वर्क करता हूँ, इसलिए भाई मैं टिकटॉक यूज़ नहीं कर पाता। बहुत बंदे बोलते हैं खुद क्यों नहीं स्टार बन जाता, भाई दिखा दूंगा, जिस दिन टिकटॉक स्टार्ट कर दूंगा उसके बाद मैं आपको भी प्रूफ दिखा दूंगा कि कैसे वीडियो वायरल होता है।
ठीक है मेरे भाई। तो आपको अभी क्या करना है, हैशटैग ये लगाना है, आपको एक तो हैशटैग लगाना है मैजिक स्टेटस, याद करके हैश मैजिक स्टेटस, अब ये करके दिखाओ, ठीक है, टाइटल में ये रखना है, अब ये करके दिखाओ और मैजिक स्टेटस, और एक हैश लगाना है आपको एडूटॉक, ठीक है, EDUTOK, वायरल होने के चांस है 100% भाई, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये मौका है, इसको हाथ से मत जाने देना। और एक आपको स्टेटस लगाना है फॉर यू पेज, हैश फॉर यू पेज। अब देखो जो मेरा वीडियो वायरल हुआ उसमें मैंने हैशटैग क्या लगाया था, एरोप्लेन वाला वीडियो था, एरोप्लेन चैलेंज, ये सब हैशटैग लगा दिए थे, इससे मेरा वीडियो वायरल हो गया, पता नहीं क्यों, अब मुझे 2000 के समथिंग उस पर लाइक मिले हैं, इसलिए वो वीडियो ज़्यादा आगे नहीं चल पाया। अब आने वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, बताऊँगा जिसके 40-50 व्यूज आते हैं उसको क्या करना चाहिए जिससे कि उसके ज़्यादा व्यूज आ जाएं, वो सभी कुछ बताऊंगा। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मतलब कमेंट करके मुझे एक बार बता देना कि आपके लाइक्स एंड फैंस अभी कितने हैं, ठीक है मेरे भाई, देखता हूँ फिर आगे आने वाले समय में कितने होते हैं। और इंस्टाग्राम पर आकर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, कोशिश पूरी करूंगा भाई, कोशिश करता हूँ सभी का रिप्लाई कर पाऊँ, बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।